वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन को क्लियर करना चाहते हैं। ये पार्ट थ्री है, दो पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। दो पार्ट में हम ये क्लियर कर पाए हैं कि ए लाइन क्या है और बी लाइन क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं कि आर लाइन क्या है। जैसे आप मान लीजिए कि शुरू में 1990-94 में भारत में फिलीपींस से राइस की मेल स्ट्राइल लाइन लाई गई और उनसे फिर टेस्ट किया गया कि बहुत सारे क्रॉसेस बनाए गए। क्रॉसेस बना के हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट हाइब्रिड देगा। तो हम वही हेटरोटिक क्रॉस ही नहीं देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें स्क्रीन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा IR58025 ए है, ए लाइन IR58025A मतलब CMS लाइन है, और CMS लाइन को हमने दिखाया था कि न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन नहीं है, मींस रिसेसिव है, और साइटोप्लाज्म में एस जीन है, इसे हम ए लाइन बोलते हैं। ए लाइन इज CMS लाइन, और इससे हम जो सैकड़ों हमारी वैरायटीज हैं उसको क्रॉस करके टेस्ट करते हैं कि कौन सी वैरायटी बी के रूप में यूज होगी, कौन सी वैरायटी आर के रूप में यूज होगी, और उसी तरह से फिर हम कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे IR58025 हमने सैकड़ों प्लांट लगा दिए और आपके पास सैकड़ों वैरायटीज हैं, तो हर वैरायटीज का पॉलन नंबर वन मेल इसका आप लाए, इसका हाइब्रिड नंबर वन फर्स्ट F1, वैरायटी नंबर दो का क्रॉस लाए, उसका जो सीड बना उसका सेकेंड F1, थर्ड F1, इस तरह से आप करीब 100 हाइब्रिड्स आपने बनाया। अगर 100 वैरायटी से आपने इसको क्रॉस किया, 100 हाइब्रिड्स आपके पास आ गया। अब 100 हाइब्रिड्स में हम टेस्ट करते हैं, उसको लगाते हैं, F1s को लगाते हैं। लगाने के बाद हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि उसका पेनिकल आने के बाद पॉलन फर्टिलिटी, और उसकी फिर बैगिंग कर देते हैं। पॉलन को हम लोग लैब में ले जाकर स्टेनिंग करने के बाद पॉलन ग्रेन्स को टेस्ट करते हैं कि कितना परसेंट पॉलन ग्रेन फर्टाइल है, स्ट्राइल है। उस हिसाब से हम उस मेल पेरेंट को जज करते हैं। जैसे आप 100 हाइब्रिड्स, हाइब्रिड 1, 2, 3, 4 100 हाइब्रिड्स पा गए, और 100 हाइब्रिड्स का स्थिति यह हुआ कि जो आपने मेल लाया किसी में कैपिटल आर था, तो इसका जो हाफ जाएगा स्मॉल आर जाएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पे ये तो निश्चित है कि आपका ये आएगा, ये तो निश्चित है कि स्ट्राइल साइटोप्लाज्मिक जीन, क्योंकि फीमेल ये है, स्ट्राइल साइटोप्लाज्म आएगा। तो ये हाइब्रिड नंबर वन हो गया। हाइब्रिड नंबर टू की स्थिति आप देख रहे हैं कि हो सकता है वैरायटी नंबर दो से जो आप पॉलन डाले थे वो इस तरह का हो, स्मॉल आर, और यहां पे एस हो, एस तो रहेगा ही हमेशा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसका क्रॉस जो आप बना रहे हैं हमेशा फीमेल ये है, तो साइटोप्लाज्म में इसी का आएगा। सभी 100 हाइब्रिड्स में सब वही आएगा। अब देखिए, आपको दो की जरूरत है, और इन बिटवीन अगर आते हैं कि पॉलन 5-10%, 15%, 20%
पॉलन फर्टाइल हो गया और फिर उस पेनिकल को हम बैक कर दिए, उसमें सीड देखे, काउंट किए कि कितने परसेंट सीड बना, अगर एक भी सीड नहीं बना तो स्पाइकल फर्टिलिटी जीरो हो गया, मतलब फुल स्ट्राइक। अभी बताता हूं, और अगर दो चार दस दाने बन गए परसेंट में तो 10% फर्टिलिटी, 10% फर्टिलिटी भी किसी काम का नहीं है, 30-40-50% फर्टिलिटी भी किसी काम का नहीं है, 75 और 80 के ऊपर हम जब जाते हैं तब उसे हम बताते हैं फुल फर्टाइल, तब ये स्थिति होती है, इसको फुल फर्टाइल बोलते हैं। ये मेल फर्टाइल हो गया, फुल फर्टाइल तभी होगा जब उस जो 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 मेल वैरायटी आप यूज किए थे उसके न्यूक्लियस में कैपिटल आर था, तभी ये होगा। अब यहां टेस्ट हो गया कि वैरायटी नंबर 1 जो आपने पॉलन डाला था उसका जो हाइब्रिड बना मेल फर्टाइल हुआ, इसका मतलब फुल फर्टाइल हुआ, इसका मतलब वो वैरायटी नंबर 1 इज रिस्टोर्ड लाइन। ध्यान रखिएगा, वैरायटी नंबर 1 इज रिस्टोर्ड लाइन मतलब इस वैरायटी नंबर 1 में जिसका आपने यूज किया था पॉलन उसकी स्थिति ये थी, कैपिटल आर यहां पे एफ नॉर्मल वैरायटी नंबर 1 व्हिच यू हैव यूज्ड एज अ मेल हियर, और ये आया उसका F1 हाइब्रिड, और F1 हाइब्रिड से हमको सिग्नल, जैसा हमने कहा कि मॉलिक्यूलर मार्कर से भी हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा टेस्ट होता है अगर एक साल आप इंतजार कर लें, ये एक्चुअल टेस्ट आपको देता है, रिजल्ट देता है। तो ये क्लियर कर दिया कि आपके वैरायटी नंबर 1 में रिस्टोर्ड जीन था, तभी ये फर्टाइल हुआ है, फुल फर्टाइल हुआ है। जब आप 75-80% या उससे ऊपर फर्टिलिटी पाते हैं तो उसको फुल फर्टाइल बोलते हैं। तो ये आपका सिग्नल दे दिया, ये हाइब्रिड सिग्नल दिया, क्या यह हाइब्रिड सिग्नल दिया कि यस वैरायटी नंबर 1 इज रिस्टोर्ड लाइन एंड कैन बी यूज्ड एज रिस्टोर्ड लाइन फॉर दिस क्रॉस IR580251A इनटू वैरायटी नंबर 1। और अगर यह इसका हेटरोसिस, अगर इसका यील्ड पोटेंशियल 15-20% हायर है देन ऑल द चेक्स, तो आपका एक हाइब्रिड बन गया, मालवी हाइब्रिड 1 आपने बना लिया इसके क्रॉस। तो यहां पे हमने बता दिया कि रिस्टोर्ड लाइन क्या है। रिस्टोर्ड लाइन वह जिसके न्यूक्लियस में आपने टेस्ट करके देख लिया कि न्यूक्लियर जीन में एक जीन है जो रिस्टोर्ड जीन है, जो एस जीन के एक्शन को सप्रेस कर देता है, और वो जहां अवेलेबल होगा उस प्लांट को वह मेल फर्टाइल बना देगा। जैसे यहां पर है, ये 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 इस आर जीन को सप्रेस कर देगा और ये पौधा सारा फर्टाइल होगा। और इस तरह के जब हाइब्रिड सीड किसानों को दिए जाएंगे तो उनके सारे हाइब्रिड प्लांट में सीड बनेगा, बढ़िया बनेगा, और हेटरोसिस चूंकि मिल रहा है, यील्ड पोटेंशियल हायर है, किसान बहुत खुश होगा, तो हाइब्रिड आपका फ्रूटफुल हो गया। अब वहीं पर देखिए दूसरी वैरायटी, ऐसी वैरायटी नंबर 2 जिसके अंदर RR जीन नहीं है, तो आधा R इधर IR580251A का आया, आधा R वैरायटी नंबर 2 का आया, लेकिन रिस्टोर्ड जीन नहीं है। आप कैसे कहेंगे रिस्टोर्ड जीन नहीं है, जब आपने पॉलन फर्टिलिटी टेस्ट किया जीरो आया, अब फिर जब आपने पेनिकल को बैक कर दिया था हार्वेस्टिंग के समय, पकने के समय हार्वेस्ट किया, उसमें देखा एक भी दाना नहीं बैठा, यू आर श्योर कि वैरायटी नंबर 2 क्या है, वो रिस्टोर्ड नहीं है, उसके जीन में और उसके न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन नहीं है। ऐसे जब टेस्ट किया जाता है जिसके उसमें यह पाया गया कि जिस वैरायटी में रिस्टोर्ड जीन नहीं है उसको हम मेंटेनर लाइन बोलते हैं, और मेंटेनर लाइन इसलिए बोलते हैं कि ये देखिए वैरायटी नंबर दो का, यहां तो वैरायटी नंबर 2 और IR580251 का क्रॉस है, ये F1, ये CMS हो गया, ये CMS हो गया, मेल स्ट्राइल हो गया, इससे बस ये सिग्नल मिला कि वैरायटी नंबर 2 के अंदर न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन नहीं है, मतलब स्मॉल आर है, उसको आप देखिए यहां पे, ये स्मॉल आर
और न्यूक्लियस में नॉर्मल या फर्टाइल है, नॉर्मल है, और न्यूक्लियस में स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब आप क्लियर हो गए कि वैरायटी नंबर दो, वैरायटी नंबर दो में रिस्टोर्ड जीन नहीं है, और अगर वैरायटी नंबर दो में हम बैक क्रॉसिंग करके अगर स्ट्राइल जीन डाल दें तो सारे प्लांट स्ट्राइल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कैपिटल आर नहीं है। मतलब हमें सिग्नल मिल गया कि अब हम एक अपना नया सीएमएस लाइन बना सकते हैं, हम आईआर 580251 की बदौलत ही नहीं रहेंगे। और इसी तरह से भारत में अपने नए नए सीएमएस लाइन तैयार किए गए। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से जब ये सिग्नल मिल गया कि इसमें कैपिटल आर नहीं है, अगर कैपिटल आर रहता तो ये फर्टाइल हो जाता, और जब फर्टाइल हो जाता तो आपको कैपिटल आर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता, तब आप सीएमएस लाइन अपना उस वैरायटी नंबर दो को सीएमएस लाइन नहीं बना सकते। लेकिन अब आपको सिग्नल मिल गया कि वैरायटी नंबर दो का सीएमएस हम बना सकते हैं, तो वैरायटी नंबर दो को यहां पे है, उसके अलावा भी पौधे मौजूद हैं वैरायटी नंबर दो के, तो वैरायटी नंबर दो ये है, और इसको जब हम कन्वर्ट कर लेंगे, वैरायटी नंबर दो को, अगर वैरायटी नंबर दो है और वैरायटी नंबर दो को अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, स्मॉल आर न्यूक्लियस तो रहेगा ही, रिपीटेड बैक क्रॉसिंग से हुआ क्या, आपने डाल दिया ये, इसका आपने स्ट्राइल डाल दिया। अब ये दो जो है, अब दो ए कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने बना दिया वैरायटी नंबर दो को, आपने स्ट्राइल बना दिया, और दो वैरायटी नंबर दो जो ओरिजिनल था ये पड़ा हुआ है यहां पे। अब देखिए दोनों वैरायटी एक ही है, लेकिन जैसा हमने एचआर 105 के केस में बताया था कि एचआर 105 ए और एचआर 105 बी, अब ये दो बी कहलाएगा और ये दो ए कहलाएगा। बी का मतलब मेंटेनर और ए का मतलब सीएमएस, दो सीएमएस दो मेंटेनर, मतलब वैरायटी नंबर दो मेंटेनर जो नॉर्मल है वो वैरायटी नंबर दो मेंटेनर के रूप में यूज होगा, इसको मेंटेन करने के लिए हर साल। तो यहां से सिग्नल आपको मिला, इस जो क्रॉस जो सैकड़ों आपने मेल से क्रॉस किया, सैकड़ों हाइब्रिड पाए, और उसमें आपने देखा कि एक वैरायटी से फुल फर्टाइल दे रहा है, तो आप एक हाइब्रिड बना सकते हैं, और उससे सिग्नल मिला कि वैरायटी नंबर वन रिस्टोर्ड जीन है, उसके न्यूक्लियस में ये देखिए, तो इसको रिस्टोर्ड लाइन बोलते हैं। और वैरायटी नंबर दो आपने टेस्ट किया, सैकड़ों टेस्ट किया है, वैरायटी नंबर दो का जो हाइब्रिड बना था उससे आपने देखा कि वो फुल स्ट्राइल है, तो वहां पे हमने दे दिया वैरायटी नंबर दो कैन बी सेड एज अ मेंटेनर लाइन, एंड वी कैन डेवलप अवर ओन न्यू सीएमएस लाइन। दिस इज सिग्नल यू हैव गॉट, एंड यू कैन ट्रांसफर, आप इस यहां से आईआर 580251 से नया अपना 2A बना सकते हैं, और ये चूंकि आपको सिग्नल मिल गया था कि 2B के रूप में यूज होगा, तो आपने देख लिया HR 105 का कैसे हमने A और B बनाया, और यहां एक नया कैसे सारा वैरायटी क्रॉस करके आप टेस्ट करेंगे कि कौन A और कौन R लाइन के रूप में यूज होगा। और इसी तरह से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम दिखाने जाएंगे कि रियल एग्जाम्पल क्या है और कैसे ट्रांसफर किया गया, और कैसे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन थ्रू एबीआर सिस्टम हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच।